मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव। चोथमल जी गुरु भाई या पीके सिंह जी गुरु भाई कोई है क्या इस मीटिंग में? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कोई भी गुरु भाई कृपया कुछ जवाब दे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। पंकज जी गुरु भाई नहीं है क्या? नहीं वो नहीं है, आज शायद आप मंच का संचालन करने वाले हैं। हाँ तो मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, आपको आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। जय गुरुदेव। आप इस मंच पर गुरु सियाग सिद्ध योग के इस मंच पर सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। गुरु सियाग सिद्ध योग के इस मंच के माध्यम से सब गुरु भाई एवं गुरु बहन अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इससे जो नए साधक जो नए लोग जुड़ते हैं उनको थोड़ी उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको अपनी साधना के दौरान होने वाली चीजों को जो चीजें घटित होती हैं उसके विषय में अन्य साधकों की जब हम अनुभूतियों को सुनते हैं तो उनको को रिलेट कर पाते हैं। और इसकी वजह से इस मंच के माध्यम से सभी को बहुत अच्छा लाभ मिलता है और साथ ही साथ हम लोग इस मंच के माध्यम से रोज सामूहिक ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान करने का एक अलग ही महत्व होता है। जिन गुरु भाइयों एवं बहनों का ध्यान अकेले में नहीं लगता है, अगर सामूहिक ध्यान किया जाता है तो उसके जरिए बहुत अच्छा ध्यान लगता है। तो इस मंच के माध्यम से ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है, इसका लाभ सभी उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस YouTube का जो प्रसारण होता है उसका वो YouTube में सब समय अवेलेबल रहता है, तो जो भी लोग YouTube का इस्तेमाल करते हैं जिनकी जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि रहती है तो गुरुदेव की कृपा से वह ऐसा बोलिए गुरुदेव को जिनको पकड़ना होता है आज इस इलेक्ट्रॉनिक युग में गुरुदेव उनको पकड़ लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से एक ये जो हम लोग डेली ये सत्संग करते हैं गुरु चर्चा करते हैं उसके माध्यम से यही गुरु चर्चा यूट्यूब के जरिए जिनके मन में जिज्ञासा रहती है किसी ना किसी रूप से उनके सामने प्रकट हो जाती है और वो फिर प्रयास करते हैं। अब प्रयास करते ही हमारे गुरुदेव की पावरफुल जो सर्व शक्ति से संपन्न पूर्ण एक मंत्र है उस मंत्र के द्वारा और गुरुदेव की आवाज़ से जब हम सुनते हैं उस मंत्र को तो हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और तत्क्षणात योगिक क्रियाएं शुरू होती है। कलयुग में बहुत सारे गुरु ऐसे भरे गुरुजी कहते हैं बहुत सारे गुरु ऐसे ही भरे पड़े हुए हैं हाँ। लेकिन जो सच्चा गुरु जो समर्थ गुरु है हाँ,
उनका मिलना कलयुग में बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के रूप में हमें समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई है, जिनके दिखाए हुए बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति आजकल घर बैठे ही संभव हो पा रही है। पहले मैंने भी यूट्यूब के माध्यम से ही इस गुरुदेव ने मुझे चुना है अपने शिष्य के रूप में, ये बोलना ज़्यादा उपयुक्त होगा। और पहले मुझे भी ये ऐसा लगता था कि मैंने कहीं ईश्वर प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत में जाकर पर्वत की कंदराओं में अकेले बैठकर ध्यान करना होगा, तो मैंने एक दुर्गम एहसास होता था कि परमात्मा को प्राप्त करना कोई दुर्गम स्थिति है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से एकदम सहज हो गए, ये प्रक्रिया एकदम सहज हो गई है। सहज हो जाने के कारण से आज हम लोग घर में बैठे ही उस साधना का आनंद ले रहे हैं, जिस साधना को करने के लिए हम लोगों को कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए दुर्गम जंगलों और पर्वतों में साधना करना होता था, आज घर बैठे ही आराम से साधना करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे जगह में जाके रहना पड़ता था साधना के दौरान, ऋषि मुनि लोग रहते थे जहाँ पर ही मैंने ना खाने का कोई जुगाड़ होता होगा, ना पीने का कुछ पानी का व्यवस्था होगा, वैसी परिस्थिति में उन लोग साधना करते थे। और आज गुरुदेव की कृपा से हम घर बैठे ही तीन टाइम आराम से भोजन करते हैं और गुरुदेव का दो बार ध्यान करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, और साधना का वो लेवल, वो स्तर जो हिमालय पर बैठे हुए योगियों को मिलेगा, वो हम लोगों को सहज में मिल रहा है, सहज में मिल रहा है। इससे अभूतपूर्व बात और हो ही नहीं सकती है कलयुग के मनुष्य के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस बात को पहले मेरा व्यक्तिगत विचार था कि नाम जप तो पहले भी करते थे, हरि का नाम जप पहले भी करते थे, लेकिन उतनी तीव्र गति से ये वो फलित, उसका फल नहीं मिलता था। और साथ ही साथ जो इस लाइन की मैंने कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, हम लोग तो सुमर रहे थे लेकिन पार नहीं उतर पा रहे थे। तो गुरुदेव के आने के बाद तुलसीदास जी की लिखी हुई बातें पूर्णतः सत्य प्रमाणित हो रही है, खूब मैंने दृढ़ता के साथ हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। और इसी मंच के द्वारा, इसी भी मंच के साथ और भी बहुत सारे सोशल मीडिया में मंच है, माध्यम है, जिनके द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि केवल इसी मंच के द्वारा ही मैंने आपको गुरुदेव मिलेंगे, वैसे बहुत सारे मंच हैं सोशल मीडिया में, आप खाली गुरुदेव का नाम ही सर्च कर लीजिए, वही काफ़ी है, वही उसी के द्वारा वो आपको सब इंफॉर्मेशन, जितनी भी आपकी जिज्ञासा है सब गुरु भाइयों बहनों के एक्सपीरियंस यूट्यूब में भर्ती पड़े हैं, उनके माध्यम से आप जान सकते हैं। ये थोड़ी मैंने शुरुआत में आप सबको गुरु सियाग सिद्ध योग के बारे में बताया, अब इस मंच के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो गुरु भाइयों गुरु बहन जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और उनकी हाल फिलहाल की जो अच्छी अनुभूति है हमारे गुरुदेव की साधना के विषय में, उनको साझा करें। कृपया मैंने जो गुरु भाई एवं गुरु बहन अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं, अपना हैंड रेस करें और कैमरा ऑन करके माइक अनम्यूट करके अपनी बातें को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाइयों बहन यदि कुछ छोटी सी भी कुछ अनुभूति व गुरु के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें को रखें। मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेस किया है,
मैं अनुरोध करता हूँ उनको कृपया कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें और अपनी सभी बातों गुरु पर। भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये मेरी छोटी बेटी को है ना अभी बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है जस्ट, तो ये बताना चाह रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बताइए। कृपया कैमरा ऑन कर लें अगर कोई असुविधा ना हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत प्यारी सी गुरु गुरु बहन है हमारी, बताओ आप क्या बताना चाहते हैं। मुझे एक बॉडी दिखी और सबसे नीचे पिंक कलर था और उसमें उसके ऊपर ऑरेंज था, तो वो ग्रीन चक्र भी था, वो तीन चक्र थे और सबसे नीचे सात था, वो ऊपर आया। फिर आज्ञा चक्र होता है ना अपना, यहाँ पर एक येलो चक्र था ऊपर ऐसी टाइप का, तो उस पे वो सात जाके दस लिया, फिर उसमें से गुरुदेव निकले, बस इतनी ही है। बहुत सुंदर, अभूतपूर्व मैंने आपका अनुभव है। आप मैंने इतनी छोटी सी बच्ची है और आप बोल रहे हैं आज्ञा चक्र के बारे में, और हम पर्सनली मैंने 40 साल के हो गए हैं, 40 साल के बाद आज्ञा चक्र कहाँ है उसकी जानकारी है हमें अभी तक नहीं हुई है। आपको जो अनुभव हो रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। कुंडली शक्ति जागृत होके गुरु मैंने आज्ञा चक्र में आके धस रही है, इससे सिद्ध योग में बहुत ही शुभ लक्षण है और आपकी साधना भी बहुत अच्छी हो रही है। आप दिन में आप रेगुलरली ध्यान करते हैं? हाँ। मंत्र जाप करते हैं? हाँ। आप बताओ तो कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास में बताओ, तुमको बोलो तुम। अरे इधर बोलो आप, यूकेजी में। हाँ यूकेजी में। और आपको गुरुदेव का ध्यान कर ध्यान हाँ ध्यान करने में अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। आप बैठते हैं 15 मिनट ध्यान करने बैठते हैं? हाँ। मम्मी बोलती है कि अपने मन से खुद से आप करते हैं ध्यान? हाँ। खुद से करती हो, वाह बहुत सुंदर। मैंने आपका जो अनुभव है उसके लिए हम लोग भी तरसते हैं कि हम लोग को कब गुरुदेव ये अनुभव कराए, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बताओ, कुछ बोलना चाहोगे आप के सबको ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? बोलो सभी को ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग सब करते हैं, तुम्हारी बातों को मानकर और अच्छे से करेंगे और सबको प्रचार भी करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाइयों बहन अपनी अनुभूति को यदि साझा करना चाहे तो उनका इस मंच पर स्वागत है। प्रवीण गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को, गुरु भाई बहनों को, विकी शर्मा भाई, जय गुरुदेव, कैसे हो आप? खूब गुरुदेव की कृपा चल रही है। आप बताइए, आपका हंसता चेहरा देख के खूब अच्छा लग रहा है, बताइए। बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है और मंत्र जब तो नहीं होता, जैसे नाद चलता है तो मुझे नाद ही सुनने का फोर्स मिलता है कि मंत्र जब मेरे से हो भी नहीं पाता, मैं कोशिश करता हूँ तो भी नहीं होगा, बस नाद पे ध्यान देता हूँ। अब क्या होता है, जैसे मैं सुबह उठ नहीं पाता था, सुबह का अपना सेशन चलता है ना ध्यान का, यस यस, सुबह सुबह तो मैं अटेंड नहीं कर पाता मैं, यस,
मैं भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ, आपको बता दो। तो मेरे लिए करीब करीब 5 बजे आंखें अपने आप खुल जाती हैं। आंखें खुल गई तो वो फिर ये प्रोग्राम तो भी मैं अटेंड नहीं करता सुबह वाला सेशन, तो मैं 1 घंटा 6 बजे मैं बेड छोड़ता हूँ, तो 1 आवर मैं वो नाद सुनता हूँ, लेटे लेटे सुनता रहता हूँ उसको। और कल शाम को जैसे ऐसा मेरे साथ तो कई बार होता है, मोस्टली हो ही जाता है कि हम जो कहते हैं ना, बहुत सारे गुरु भाई बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि ध्यान नहीं रुकता या भागता रहता है मन एक जगह से दूसरे, तो ये मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं है किसी का, मैं तो मेरी बता रहा हूँ। मैं ये जैसे कल का एपिसोड ही बताता हूँ, ऐसा पहले भी हो जाता है मेरे पास साथ, फ्रिक्वेंटली होता है कि ध्यान करने बैठा तो एकदम से मन भागने की कोशिश कर रहा है, वो इधर उधर हो रहा है, बट मेरे एफर्ट्स उसमें कुछ नहीं लग रहे हैं, मैं तो जस्ट नाद सुन रहा हूँ बैठ के, और कोई ऐसा थॉट आता है ना माइंड में जैसे ये भागने की कोशिश करता है, तो मेरे को तुरंत वहां हेडेक शुरू हो जाता है, मीन हेडेक इन द सेंस कि मैं उस चीज पे ना जाऊं उसको, और ऐसा पकड़ लिया ना गुरुदेव भगवान ने ध्यान के दौरान कि वो हिल ही नहीं सकता, उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। मन की स्थिति बता रहा हूं मैं बैठा बैठा ये देख रहा हूं, मैं आराम से महसूस फील कर रहा हूं मैं, ये देखो कैसा हेल्पलेस कर दिया मन को, मन इतना कमजोर है ये, तो ये कभी रुकता नहीं है, हम सोचते हैं ये कब रुकेगा है? और लेकिन इसका तो इलाज कर दिया गुरुदेव भगवान ने, इसको तो भागने क्या है, इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा है, इसको कहीं भागे ही, लॉक हो गया सब कुछ, जैसे लॉक हो गया ना, लॉक कर देते हैं ना हम एक चीजों को, ये वो उधर से नो मूवमेंट, नो फर्दर मूवमेंट। तो विकी शर्मा गुरु भाई वो मैं देखता रहा 15 मिनट तक, और बिल्कुल खींच के जैसे सब रुक गया, मीन सब कुछ रुक गया, जैसे एक जगह पे स्टैंड स्टिल हो गई चीजें। तो फिर मैं काफी गुरुदेव भगवान को धन्यवाद किया प्रभु, और ऐसा कई बार होता है, ये ऐसा ये नहीं कि कल ही ऐसा हुआ, तो ये बातता भी है तो मैं इसको इग्नोर मारता हूँ, मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना नाद पे रहे, क्योंकि यहाँ गुरु मन को रोकता है, गुरुदेव ने भी कहा है यहाँ गुरु मन को रोकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोशिश नहीं करनी है, गुरु जिस दिन उनकी कृपा होगी, असीम कृपा होगी, दयालु है हमारे भगवान बहुत, तो उस दिन ये सबका सब चीजों का सब समस्याओं का इलाज पल भर में हो जाएगा, पल की भी देरी नहीं लगती है उसमें। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो अब बताने को नहीं आ रहे हैं कि उनको मैं एक्सप्रेस कैसे करूं, मीन साइलेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो, इन द सेंस मैं बताना भी चाहूं कि भाई तो मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं उनको बताऊं कैसे, एक्सप्रेस कैसे करूं। यस, चलता रहता है 24 आवर्स की 24 घंटे चलता रहता है, बस यही है कि साधना हमारी तरफ से थोड़े एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए, यहाँ देरी नहीं है किसी चीज की भी ना गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, प्रॉब्लम हमारी तरफ से ही आती है कि थोड़ा सा या तो हम इधर उधर ध्यान ठीक से साधना ठीक से नहीं कर पाते, और इससे सरल साधना तो इस प्लेनेट पे तो पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इससे सरल और कुछ भी हो सकता है कि बस 2 टाइम ध्यान कीजिए और मन नाम जप कीजिए और आगे आपकी गुरुदेव ने तो डिक्लेयर कर दिया कि आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, मैंने आप ये बताइए कि मैंने साधना और तेजी से बढ़े इसके लिए क्या किया जाए, कुछ उपाय? कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, तो कुछ करना ही है, कुछ भी तो नहीं करना, बताया गुरुदेव भगवान ने कि बस 2 टाइम ध्यान कर लीजिए, वो सीरियसली कर लीजिए। देखिये हम एक स्पिरिचुअल साइंस में एक आर्टिकल पढ़ा था गुरुदेव का, उसमें ये एक प्रश्न था सबसे, मैं खुद से भी करता हूँ वो, और मैं गुरु भाई बहनों से जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है गुरुदेव भगवान के मंच पे, कि वो कौन है जो जितनी हम कोशिश भौतिक साधन संसाधनों के लिए भौतिक सुख के लिए करते हैं, क्या उतनी कोशिश हम भगवत प्राप्ति के लिए भी करते हैं?
सारे सवालों का जवाब यहाँ मिल जाएगा। मीन सारा का सारा जो सार है ना वो हमारे एफर्ट्स में है। यहाँ सारे प्रयास छोड़ने हैं, बाकी चीजों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। यहाँ सारे प्रयास छोड़ने हैं और उस परम सत्ता को सरेंडर कर दीजिए, फिर ये सारे की सारे चीजें ना अपने आप हो जाएंगे। जो हमारे 24 घंटे की भागदौड़ रहती है ना, वो सारे की सारी चीजें ऐसे हो जाती है, इतनी इजीली हो जाती है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ स्मूथली हो जाता है। ये मैं 1000 times एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीजों को ना, रोज करता हूँ कि बस उसका नाम लेके और अपने ईमानदारी से अपनी साधना में जुटे रहिए। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, या तो सारी की सारी प्रकृति की संपदा, सारे संसाधन, वो तीनों लोकों का स्वामी है, है? और हम हमसे बस इतना ही मांगता है कि 2 times ध्यान और ये साधना, ये मंत्र जब अच्छे से कर ले हम, जो ईमानदारी से जो एफर्ट्स हम भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए डेली करते हैं ना, उससे थोड़े से भी कम एफर्ट्स अगर ये कर ले तो ये बहुत सरलता से अनुभव प्राप्त होने वाली चीज है। विकी भाई, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रकृति के रहस्य को जानना की कोशिश भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने भी कहा है कि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो कुछ है उसको चलने दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की इधर जरूरत ही नहीं है। ईमानदारी चाहिए इसमें, ऑनेस्टी, बच्चे की तरह, जो बच्चों में जो बिटिया बोल रही थी ना अभी मनोरमा बहन की, यस यस, बच्चे की तरह वो इनोसेंट वे में अगर हम लगे रहेंगे ना तो वो बिल्कुल दूर नहीं है, वो तुरंत सामने आ जाएगा। चलिए कुछ टिप्स दीजिए, कैसे गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़े, समर्पण बढ़े, इसके लिए कुछ बताइए साधक को प्रेम कैसा बढ़े। हाँ, शुरुआत में तो साधक जो रहते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली प्रेम कैसे बढ़े गुरु। एक्चुअली मैंने सारा खेल, मैंने आप वही समर्पण और गुरु में, गुरु के प्रति प्रेम और गुरु में कैसे हो जाए उसका ही खेल है। वो जिस दिन हो जाएगा उसके बाद आपके पास कुछ चीज भी मैंने प्राप्ति के लिए छूटा नहीं रह जाएगा, अछूता नहीं रहेगा। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि मेरी इच्छा के बिना मेरी भक्ति भी नहीं प्राप्त होती। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं इस चीज को। yes, तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी इच्छा है कि हमें वो प्राप्त हो, क्योंकि उन्होंने अपनी शरण में लिया हमें। नहीं तो हम लोग कितने प्रचार प्रसार जैसे गुरु भाई बहन सभी करते हैं, बताते हैं, लेकिन कितने लोग इन हो पाते हैं, है ना? बहुत कम। कितने लोग इन हो पाते हैं, मैक्सिमम के लिए आउट है, गेट बंद हो जाते हैं, बहुत कम लोग है, गिने चुने, बहुत ही किस्मत वाले। तो उसकी इच्छा तो है ही कि हम उसको प्राप्त करें, उसको जाने, है ना? अब फिर उसने रास्ता भी बता दिया ईमानदारी से, जैसे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उनको चीट नहीं करते ना, नहीं, अपने अपने बच्चों को कोई चीट करता है, या अपने माँ बाप को, या अपने भाई बहन को, एक नॉर्मल सेंस में बता रहा हूँ मैं, जैसे हम छोटे छोटे भाई बहन होते हैं तो एक दूसरे को जैसे प्यार करते हैं ना, गुरुदेव भगवान के हम बच्चे हैं और वो बड़े दयालु हैं, वो हमारी लाख गलतियों को भी माफ कर देंगे। हाँ, वो जो महाभारत में किसको मारा था, वो बोले तुम मेरे 100 गलती गालियां दोगे तब तक मैं माफ करूंगा, लेकिन 101 भी नहीं करने दूंगा। तो यहाँ तो 100 नहीं, वो हजारों गलतियां माफ करने को तैयार है, ठीक है ना? बस बच्चे की तरह है ना, उनको पकड़ लीजिए, उसको उनको मत छोड़िए। भगवान आप जानो, दुखी रखो, सुखी रखो, रुलाओ, प्यार से रखो, हंसाओ, आप जानो। जब उनको सरेंडर कर देंगे ना, इतने सरेंडर समर्पण, और नॉर्मली जो गुरु भाई बहन साधना शुरू करते हैं उनको रिजल्ट तो कोई ना कोई मिलता है। बिना रिजल्ट किए गुरुदेव भी बोलते हैं मुझे क्यों मानेगा भाई, मेरी क्यों साधना करेगा जब रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो, है ना? यस, गुरुदेव तो अपन चैलेंज करते हैं, रिजल्ट ना मिले तो भाई उसको छोड़ देना चाहिए, उसको क्यों पकड़े रखा है बिना बात में। यहाँ भी ना मिले तो कोई और गुरु देख लो जहाँ मिल जाए, या जिससे काम चल रहा है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने भी ये कहा है अपनी स्पीच में, विकी शर्मा भाई आपने अभी जुड़े हो तो हम तो गुरुदेव, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव भगवान जब सह शरीर थे तो हम उनके
श्री चरणों में बैठ के ध्यान भी किया है। बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्य हैं। मैं इससे बड़ा भाग्य नहीं मानता, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी और, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे भगवान ने सारी चीजें बहुत दे दिया, मेरी कोई इच्छा भी नहीं बची है मेरी, कुछ मैं नहीं मानता मैं मेरे लिए कुछ भी। प्रभु बस अपने शरण में रखना, अपने श्री चरणों में रखना, ये नाम जप और ध्यान ना छूटे। 10 साल से एक बार एक दिन भी, मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ मेरे दयालु प्रभु का, कि मैंने एक दिन वैसा नहीं कहा जब मैंने उनका नाम ध्यान और नाम जब मेरा छूटा हो। किसी भी एक भी दिन खाना छूट गया, नींद छूट गई, चाहे कुछ भी छूट गया, चाहे मैं आपको 2 बजे घर आया हूँ तो मैंने पहले ध्यान किया फिर सोया हूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकता। जब मैं खाना नहीं छोड़ सकता, मैं प्रभु का ध्यान नहीं छोड़ सकता, उससे पहले मुझे प्रभु का ध्यान करना है। ये समर्पण है तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं अपने वो नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान ने ये सामर्थ्य दिया है, ठीक है। 10 साल से आज तक, और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये मेरे से मत छीनना प्लीज, बाकी आपकी मर्जी है ना। जो नाम जप और ध्यान, ये इसके बिना तो मन नहीं लगता, इसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं कर सकता मैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, संभव नहीं है कि मेरे दिन की शुरुआत उसके, उठता हूँ तो सीधा उसके चरणों में जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ गुरुदेव भगवान को, दादा गुरुदेव, पहला काम उठते यही होता है, और सारे कुछ उसके बाद मेरी जिंदगी दिन की शुरू होती है, दिनचर्या। शाम को जब सोता हूँ तो उसके चरणों में हाथ जोड़ के और तब सोता हूँ, फिर अपना रूटीन करके ध्यान करके ऑफिस चले जाते हैं, शाम को फिर सेम वही है, सारा दिन जी तोड़ काम करते हैं, खूब बढ़िया से मेहनत करते हैं ईमानदारी से, और बड़ा संतुष्टि है लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है। हमें भौतिक सुख भी बहुत प्राप्त हुए और आध्यात्मिक सुख भी बहुत प्राप्त हुए, यानी गुरुदेव की एक एक वाक्य, गुरुदेव का एक एक शब्द, वो समर्थ गुरु हैं, उनको इस दर्शन को समझिए। एक बार जोधपुर ध्यान गए हुए थे हम लोग, और गुरुदेव भगवान जैसे शाम को 5 बजे ध्यान करवाने आते थे वहां नीचे आश्रम में, तो बोलते हैं कोई 50 रुपए दे के जा रहा है गुरुदेव को, कोई 100 रुपए दे के जा रहा है, वो ऐसे पकड़ लेते थे। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ भगवान को हम 50-100 रुपए क्या दे सकते हैं हम, है ना। दूसरी बात मेरी उन्होंने खुद कही, लोग बोले इस दर्शन को समझ नहीं रहे हैं, कोई आता है मेरी भैंस दूध नहीं दे रही जी, अरे मैं मेरे समझिए मैं क्या करना, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या मैं मेरे को कोई वो तांत्रिक नहीं हूँ, मैं मंत्र तंत्र का करके कुछ इलाज कर दूं, ये चेतना मेरे अंदर प्रकट होगी, ये आपके अंदर भी बैठी हुई है, मैं इसको रास्ता बता दूंगा, आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगी, आप मेरे में कोई तो बोले इसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग, ये मैं क्या आपको प्रसाद दे रहा हूँ इसको समझना। तो सबसे बड़ी विकी भाई, इसको समझने की जरूरत है, गुरुदेव के दर्शन को, ये आज प्रकट हुआ है, लेकिन इसकी जो ये आज से नहीं है, ये अनादि काल से चलता है, ये समय के साथ इसका प्रकट होना था, जैसे अरविंदो की भविष्यवाणी थी कि समय के साथ इसको सामने आना था। अब तक गुरुदेव से पहले गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा था, एक के बाद एक गुरुदेव ने भगवान को आदेश हुआ, दादा गुरुदेव भगवान का, कि अब इसको खुला कर दो, सबको बांट दो, है ना। वो समय के चक्कर के साथ है, वो कोई ऐसी प्रकट नहीं, प्रकृति का रहस्य है, हमें क्यों क्या करना है उनका, हमें तो अपने नाम जब साधना करते रहे, भगवान के चरणों में प्रसाद उनका मिलता रहे, उनकी कृपा मिलती रहे, सारे किसी सवाल जवाब इसमें, मुझे नहीं लगता इसमें कोई सवाल जवाब की गुंजाइश भी है, मुझे नहीं कभी फील नहीं हुआ ये कि मैं किसी से कोई सवाल करूँ, या नॉर्मली गुरु भाई बहनों में होता है नॉर्मली, और थोड़ी सी वो चीजें हैं आती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा 10-11 साल हो गए तो हम वो है ना, थोड़ा सा अनुभव हो जाता है इतने लंबे समय से, जब आप नए गुरु भाई बहनों को थोड़े से उनके सवाल जवाब रहते हैं, नो डाउन। तो ये मंच बहुत अच्छा, इसका आप लोग संचालन करते हो गुरुदेव भगवान की कृपा से, जितने भी कोशिश होती है, अपने रामलाल जी गुरु भाई है, अपने गोड़ साहब है, पीके सिंह भाई साहब है, और पंकज जी हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो अपने अनुभव के आधार पे अपनी तरफ से हम थोड़े कुछ बना सकते हैं, अपनी तरफ से हम क्या दे सकते हैं, इसमें कोई योगदान नहीं है, अपने अनुभव के आधार पे कि अभी जिनकी जो साधना में आज तक का एक्सपीरियंस है उनका, उन्होंने क्या पाया, उसके अनुभव के आधार पे वो
थोड़ा सा इस विषय को और एक्सटेंसिवली इलेबोरेट कर देते हैं और बता दो। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कभी कभी आपने भी बताया था, मैंने गुरुदेव भीतर से बोलते हैं, ठीक है गुरु, ये मैंने कैसे, एक्चुअली तो मन है, बुद्धि है, वो भीतर से कुछ ना कुछ, आप कुछ पूछते हैं तो वो मन बोल रहा है कि मैंने एक्चुअली कैसे सेग्रीगेट होता है, ये चीज मैंने बताइए थोड़ा सा। रोज बोलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, पता नहीं कितनी बार बोलेंगे वो रोज, ठीक है। एक बार हम दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, दिल्ली में जब 2011-12 की बात है सर, तो ऐसे ही बंदे को एक मंदिर में चले गए हम, पुजारी थे और बहुत सारे लोग थे, उनको करते एक बुखराज गुरु भाई, अभी तो रेलवे में है, टीटी है वो, गंगानगर से, गंगा श्री गंगापुर है ना, गंगापुर सिटी, वहां से राजस्थान में, वहां से आते थे, दिल्ली रुकते थे, कई कई दिन उनका प्रचार में लगे रहते थे। उनका गुरुदेव भगवान ने बोले, उनका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि उनके बारे में भी, उनका एग्जाम था तो वो उससे पहले दिन भी हम प्रचार कर रहे थे, मतलब कई दिन से वो दिल्ली थे, रोज प्रचार करते थे, एग्जाम की कोई तैयारी व्यारी नहीं थी। वो बोले जो होना है प्रभु को करना है, अपने पास तो ये है, हम तो ये मजदूरी कर लेते हैं उनकी, और देखो उनका एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, टीटी बन गए, ठीक है। अगले दिन उनका एग्जाम थे, दे के आए, बोले पास है, भगवान ने बोल दिया है पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मंदिर में पुजारी ने पूछा कि भाई, हम बोले कि भाई इसमें आपको भगवान मिल सकते हैं, बोले भगवान मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, तो हम तो बोले दुनिया ढूंढ रही है, पागल थोड़ी है, भगवान भगवान के पीछे हमें तो आज तक नहीं मिले हैं, भगवान हम मंदिर में बैठे रहते हैं। तो बुखराज जी बोलते हैं, हमने हम तो भगवान से परेशान हो गए, वो तो 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, हम तो परेशान हो चुके हैं उनसे, वो जब देखो तभी सामने आ जाते हैं। मतलब इन द सेंस उनका कहने का ये था कि भाई भगवान का साक्षात्कार हमें हो गया है और आपको हो सकता है, आपको हो सकता है ध्यान करे तो। कहने की बात ये है, जैसे आपकी एक इंट्यूशन अंदर होती है ना, आपने वैसे भी एक नॉर्मली कई बार हमें जैसे अच्छाई और बुराई पता लग जाते हैं ना, दिख जाते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला, तो कुछ अंदर से कुछ ऐसे साइन सिम्टम, वो साइलेंट होते हैं नॉर्मली, उसको फील किया जा सकता है, एक्सप्रेशन तो उनका हो नहीं सकता। तो वो गुरुदेव भगवान तो खूब ठोक के बोलते हैं, मैं बताऊं उनकी लैंग्वेज में यूज करूं तो ना, वो तो उन्होंने जो बोल दिया, मैं गलती से यूपी इलेक्शन की पूछ लिया, वैसे मन में विचार आ गया यूपी इलेक्शन का, रिजल्ट नहीं आया था, वोटिंग हो गई, वोटिंग से पहले की बात है, गलती से पूछ लिया, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, मैं गुरुदेव भगवान क्या यूपी में क्या है, ऐसे ही मैं 2-3 बार पहले पूछ चुका हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट था, उस ये भी बता दिया था कौन कैंडिडेट कितने नंबर पे रहेगा। मेरे एक रिलेटिव इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए मैं थोड़ा सा गुरुदेव से प्रार्थना कर लिया भगवान, तो बोले हारेगा, 3rd नंबर पे आएगा, वो 3rd नंबर पे ही आया। तो मैं यूपी योगी जी के बारे में पूछ लिया कि भाई योगी जी का गुरुदेव भगवान सत्ता परिवर्तन होगा, ये बंदा रहेगा, तो बोला कोई रोक ही नहीं सकता इसको, कोई रोक ही नहीं सकता, ये गुरुदेव भगवान के ये अंदरूनी, ये अंदर से तुरंत आपको जवाब मिलता है। अब मैं क्या बताऊं, वो कैसे मिलता है, वो मैं एक्सप्रेस कैसे करूं, है ना। तो दिन में वो 100 बार जवाब देते हैं, उनसे कुछ प्रार्थना करेंगे तो वो बता देंगे। मैंने बताया था कि जो हमारे जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं ना वैलिड, उनका तो आंसर तुरंत हो जाता है, और जो इनवैलिड होते हैं उनका कोई आंसर होता नहीं है, तो मैं मुझे ये हो जाता है कि वो फालतू की चीजें हैं तो उनपे क्यों अपना दिमाग मार, है ना। पर ये बस साधना है, मतलब जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा, इसमें तो साधना को मंत्र जप कीजिए, ध्यान कीजिए, रिजल्ट तो तकरीबन सभी गुरु भाई बहनों को तुरंत मिल ही जाता है, जैसा भी एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है ना। जब एक बार एक्सपीरियंस हो गया, बाकी लोगों को हो चुका है, हो रहा है, तो आपको भी हो जाएगा, सबको हो जाएगा। गुरुदेव बोलते जब मेरे अंदर परिवर्तन आया तो आपके अंदर भी आ जाएगा, तो इसी लाइन पकड़े रहिए विश्वास के साथ में, और ये यात्रा है, जर्नी है स्पिरिचुअल अध्यात्म की और अगम लोक की, और चलते रहिए। यस अरविंद गुरु भाई, हाँ अरविंद गुरु भाई, हाँ हाँ बोलिए। एक छोटा सा सवाल है, हमारे एक जानकार हैं, हम उनको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, और वो बीमार हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जाए, वो आसानी से तैयार नहीं होते, बता भी दिया उनको कि बहुत अच्छी है, बहुत चमत्कार होगा, ठीक हो जाओगे आप,
लेकिन उनका मन में आता नहीं है कुछ ज्यादा ना, हालांकि वो दुखी है परेशान अपनी बीमारियों से। तो इसका कोई बताइए कि किस तरह से हम उनको जोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते वो मर जाए। देखिए, जीवन मरण तो प्रकृति के अधीन है विनोद पुरोहित जी, है ना, ये तो इसके बारे में। लेकिन गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए, अगर आप सच्चे मन से उनके लिए कुछ मांगेंगे तो गुरुदेव भगवान तो जरूर वो प्रसाद दे देंगे, उनको करना शुरू कर देंगे। उनके प्रयास से नहीं हो पा रहा, आप प्रयास कर लीजिए उनके, है ना। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव भगवान इस पे कृपा करें, दया दृष्टि डालें इस पे, ये आपकी शरण में, आपको अपनी शरण में ले लो भगवान, इन पे कृपा करें। और इससे आगे कुछ जवाब नहीं है विनोद पुरोहित जी, मैं भी यही करता हूँ। जो मेरे नियर डियर है, जिनको मैं चाहता हूँ कि इनकी तकलीफें कुछ कम हो जाए, तो मैं उन वो नहीं सुनते, तो मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दो इनको, ये भी कर ले, इन्हें अपनी शरण में लो, हाँ इनका जीवन सुधर जाएगा, हमारा जीवन सुधर गया, इनका भी सुधर जाएगा आपकी शरण में। तो विनोद जी यही कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए उनके लिए। यस, यही एक सटीक उत्तर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बात बाकी यहाँ कोई प्रश्न है ना उत्तर है, हमारे एक ही है भगवान बैठे है ना, सब तालों की चाबी वही है ना, तो उसी से खोलिए, सारे ताले जितने भी है ना उसी से खोलिए आप जी। बताइए दीपक भाई, शरीर जब धारण किए हैं तो शरीर एक ना एक दिन शरीर गलेगा ही, ये माटी का घड़ा गलेगा, इसके लिए भी तैयार रहना है। और माने सब अमर हो जाएंगे ऐसी भी बातें नहीं है ना, तो जीवन में जब जीवन धारण किए हैं तो मृत्यु का भी स्कोप रखना है, बट अपना प्रयास अपना काम है उनको बताना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार, दस बार और पीछे लग के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं करते तो आप अपने तरफ से पूरा पूरा प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो सब छोड़ दीजिए गुरुदेव के ऊपर, और कुछ नहीं किया जा सकता। विनोद विकी भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा विनोद पुरोहित जी के लिए। बेंगलोर में एक रुपेश, ये रिकब जैन रुपेश भाई हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गुरु भाई हैं अपने, तो भगत सिंह जी गुरु भाई हैं काजलवास से, वो बेंगलोर ही रहते थे उस टाइम। तो वो जैसे हम बैठे थे एक दिन, बात कर रहे थे, भाई आप लोग गुरुदेव भगवान की शरण में कैसे आए, कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है, भगवान किसी के हाथ को मैसेज देते ही है। तो बोले कि भगत सिंह जी रोज आते थे मेरी दुकान पे, मिलना जुलना था, और रोज गुरुदेव भगवान के बारे में चर्चा करते, और रोज मुझे कहते कि आप ये ध्यान करके तो देखो, एक बार ये ध्यान करके तो देखो। 3 महीने हो गए इन बातों, ना भगत सिंह जी ने आना छोड़ा और ना उन्होंने ध्यान किया। 3 महीने, 3.5 महीने गुजर गए भगत सिंह जी रोज आते। फिर एक दिन मन में बोले विचार आया कि भगत सिंह रोज आता है और रोज बताता है, करके ही देख लेते हैं एक बार ये क्या बता रहा है। वो दिन था और आज का दिन है, वो फिर ध्यान छुटा ही नहीं, ना नाम जब छूटा ना ध्यान छूटा, वो आज भी ध्यान करते। गुरुदेव भगवान को जिसको जैसे शरण में लेना है, जब लेना है ना, सब खेल वहीं से चलता है, उन्हीं से प्रार्थना करो, उन्हीं के आगे रोइए, वो दयालु हैं, वो तुरंत इलाज कर देंगे। वो मेरे एक दोस्त हैं यहीं पे मेरे साथ ही सर्विस करते हैं, उनकी बहन को यंग है टीबी हो गई, टीबी इकलौती बहन, तो हॉस्पिटलाइज थी, वो मानते नहीं, वो तो इन चीजों को मैं मत मानू भाई, जब भगवान चाहेंगे आप मान जाओगे, मैं तो क्या बताऊं, फिर मैं आपकी बहन मानती है क्या। वो बोले बहन तो इस पोजिशन में नहीं है कि वो कर ले, लेकिन मैं बोलू एक मैं करता हूँ, पिछले 10-11 साल से ध्यान करता हूँ, बड़ा इफेक्टिव है, और हो सकता है आपको भी फायदा हो जाए, आपकी सिस्टर को, और आईसीयू में एडमिट थी, मैं ये मंत्र सुना तो बोले भेज देना, उन्होंने बोला। अब देखिए मैं वही जीवन मरण की बात बताता हूँ, उसके बाद मैं भूल गया उनको भेजना, पिछले वीक डेथ हो गई उनकी बहन। एक्चुअली ना एक बात हम लोग को भी समझना है, अगर अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें ना,
तो माने हम ईश्वर के लिए माने जीवन और मृत्यु ईश्वर की नजरों से अगर देखा जाए तो एक खेल है, मात्र खेल मात्र है। हम लोग जो सांसारिक व्यक्ति हैं, हम अगर हम लोग के क्लोज माने में जो रहते हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, वो हमारे बेस्ड ऑन हमारे अटैचमेंट के ऊपर सबको स्वाभाविक है रहेगा, लेकिन माने ईश्वर इस परमात्मा का नजरिया थोड़ा अलग है, उसके लिए भी हम लोग को माने उजा है माने ओपन रहना चाहिए उस विषय पर भी। क्रांति जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किए हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ, अपना माइक माइक अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन करिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं प्रवीण गुरु भाई से पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपको नाद बहुत दिनों से सुनाई दे रहा है, तो जो नाद की ध्वनि है वो आपको एक ही जैसी चल रही है, चेंज हो रहा है उसमें? क्योंकि मेरे को 4-5 साल से सुन रहा है तो एक चिन 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 इस टाइप का सुनता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और कई उनसे सुनते हैं ना कि वो चेंज होता रहता है, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में। क्रांति गुरु, जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव। मेरे को जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो कुछ दिन के बाद नाद शुरू हो गया, करीब मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, 6-7 महीने के बाद शुरू हो गया था। और मुझे तो पता नहीं था नाद होता क्या है, क्योंकि बीमारी इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक हो जाए मुझे तो ये नाद का भी कुछ पता नहीं था। वो दिन है और कई साल बीत गए उसके बाद, लेकिन क्या है उस पे नाद पे ध्यान नहीं गया। मंत्र जप चलता रहता था, मंत्र जप करता था मैं, बहुत ज्यादा करता था, नाद पे मेरा ध्यान भी नहीं गया। ना गुरुदेव ने मुझे नाद सुनने के लिए मतलब मंत्र जप को रोक के नाद सुनाया, जैसे अभी सुनाते हैं ना, मंत्र जप रोक दिया नाद सुनाते हैं, उस टाइम नाद भी चलता था और मैं मंत्र जप करता था, नाद पे मेरा कोई ध्यान नहीं होता था। तो एक ही तरह की सुनाई देती है, मेरे राइट ईयर में ज्यादा सुनाई देती है, लेफ्ट में थोड़ी स्लो सुनाई देती है, लेकिन एक ही राइट की अलग है लेफ्ट की अलग है, ये भी है। राइट ईयर में दाएं कान में अलग तरह की सुनाई देती है, बाएं कान में अलग तरह की सुनाई देती है, दाएं कान की तेज सुनाई देती है, बाएं कान की धीमी सुनाई देती है। तो फिर अभी जैसे बार बार यही आता था ना कि नाद सुनो, गुरुदेव की स्पीच सुन रहा था तो उसमें बार बार वही कि नाद पे ध्यान दो, तो फिर मंत्र जप की बजाय मैंने नाद सुनना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़ा अटपटा सा लगा, मंत्र जब ज्यादा इजी हो जाता था, इस पे तो कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल, रुके ही ना, कंसंट्रेट ही ना हो, उस पे ध्यान ही ना हो, वो बार बार भाग ले मन उसको सुन ही ना पाए, अभी भी कई बार हो जाता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है ना कि इसी को सुनना है। गुरुदेव ने कहा गुरुदेव का आदेश मानना है, अपना आदेश अपनी नहीं चलानी, उन्होंने जो बोला वो सुनना वही करना है, तो फिर फोर्सफुली इसको सुनना शुरू किया कि इसी पे मन लगाना, मंत्र जप नहीं करना। फिर मैंने बताया कि कल की कहानी मेरी, तो सब कुछ अपने में भी हो गया, अपने आप ही मेरे बिना किसी एफर्ट्स के लोक हो गया सब कुछ, एकदम कोई मतलब ही नहीं, कोई विचार ना कुछ ना सन्नाटा, एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ये है क्रांति बहन। अच्छा, तो आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, मतलब जो झिंगूर वाली जो बेसिक ध्वनि है, या जैसे कईयों को गुरुदेव का, मतलब एक स्पीच में गुरुदेव का आता है कि जैसे अपने अपने संस्कारों के हिसाब से ये अलग अलग तरह की ध्वनि सुनाई देगी? हाँ, उसको कह सकते हैं वो झिंगूर टाइप है, और बाएं कान की पता नहीं कैसी है, मुझे भी कुछ नहीं पता उसके बारे में कैसी है, दाएं कान की कुछ झिंगूर टाइप है, जैसे बारिश के बाद आवाज आती है ना, तो इस टाइप की है। और शुरू से मतलब वही ध्वनि, एक ही तरह की ध्वनि सुन रही आप? हाँ, एक ही तरह से, कोई चेंज नहीं। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए प्रवीण गुरु भाई जी, आज पूरा सेशन आप ही संभाले हैं। ना ना, ये देखिए भाई, मैं रोज जुड़ता हूँ, मैं जैसा टाइम मैं तो रोज सुनता हूँ गुरु भाई बहनों की, और इस सुन के बहुत अच्छा लगा, नाद की कृपा से, इफेक्ट से आपका मन रुका है। हा? बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, नाद ने कुछ रोक दी, वही तो सारा खेल, तो मन रुक जाए तो शांति मिले हम लोग को। हाँ, तो और हम लोग का प्रयास, हम जितना करेंगे उतना ही पागल होते हैं। इसके पीछे मत भागिए आप, ये मिल जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, इसके पीछे मत भागिए। ये प्रश्न मेरे मन में कभी नहीं आया, ये मैं कल ध्यान करने बैठा तो भी नहीं था कि रुक जाए, भागता रहेगा, भागेगा तो मुझे तो नाद सुनना, जो मेरे भगवान का आदेश है मुझे तो उसकी पालना करनी, मुझे क्या पता, है ना। यस,
दिल्ली में प्रचार करते थे तो एक कंप्लेंट में जैसे एक किसी का फोन आ गया, वो ऑलरेडी किसी गुरु से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा, पहले क्वेरी की कि भाई क्या है आपका, कैसे करते हो, क्या करते हो। मैं जी ऐसे ऐसे सिद्धियों के गुरुदेव भगवान एक मंत्र देते हैं और उनका ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए और आपको ये सब परिणाम प्राप्त होंगे, इसके समस्याओं जो भी है हमारी लाइफ की, और ये मोक्ष तत्व अल्टीमेट जो एम है वो मोक्ष तत्व, ये मोक्ष पाने का रास्ता है। ये बीच में तो ये सब होना है, ये सब होना है, आज नहीं तो कल ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे हम तभी वहां पहुंचेंगे, वहां पे कोई जब तक कोई प्रश्न अंदर है तब तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और ये प्रश्न प्रश्न का समाधान कैसे होगा, वो इस साधना के चलते, ये एक जर्नी है, इसको एंजॉय कीजिए, है ना। किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाता है जाते हैं हम लोग, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, मंदिर को देखने किसी और जगह पे, धार्मिक स्थान पे, बीच में भी बहुत सारे खूबसूरत नजारे आते हैं, रास्ते में भी उनको भी तो एंजॉय करते हैं, करना भी चाहिए, रुक रुक के देखिए उनको भी, है ना। मंजिल तो मिल ही जानी है इसमें, ये इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वहां पहुंचना ही है। जो इस गुरुदेव भगवान की शरण में है उसकी उसकी वहां पे वहां की टिकट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो बीच के जो खूबसूरत नजारे है ना, अनुभूतियां हैं, नाद है, मंत्र जप है, सुख दुख का जो आपका उनका निवारण होना है अनुभूत, वो भी करते चलिए साथ में उनको भी। तो सीधे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इस साधना में किसी को, ये नहीं हो रहा वो नाद किस रंग की है, क्या आवाज आनी है, क्या करना है, तो वो पूछने लगे मन की स्थिति बताओ। दिल्ली वाले जो फोन आया, अभी मुझे तो नहीं पता मन की स्थिति क्या। फिर बोले तुम्हारे कैसे गुरु, मुझे मन की स्थिति नहीं पता तुम्हारे को, तो मैं आपको क्या करोगे मन की स्थिति जान के बताओ। मन घुटने में होता, मेरा तो घुटने में है, मुझे तो नहीं पता क्या करता है ये। आपको क्या मिल जाएगा मन की स्थिति पता करने से, ये मन का इलाज हो जाएगा आपका, चाहे ये कहीं भी हो, है ना। आपको मन का इलाज करना है ये, चाहे कहीं भी बैठा हो, मुझे नहीं पता ये कहाँ बैठा है, मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया, मेरे को क्यों पता करना है इसका, इसका एड्रेस कहाँ है, है ना। आप इसका इलाज कीजिए, आपको आपको पता लग जाएगा ये कहाँ है और इसका इलाज कैसे होना, वो ही ध्यान कीजिए। फिर उन्होंने फोन ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, जय गुरुदेव। तो ठीक है विकी भाई, जय गुरुदेव सभी को, गुरु भाई बहनों को, और नाम जब ध्यान करते रहिए, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन प्लस माइनस करने की इधर कोई जरूरत ही नहीं है। यस, बस ईमानदारी से बच्चे की तरह ना, बच्चे हो जाइए बिल्कुल, जिद पकड़ कर पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पड़े से पंडित हो, पड़े पंडित हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। और कोई गुरु भाई एवं बहन यदि यदि कुछ अनुभूति शेयर करना चाहे व अपनी बात रखना चाहे तो हैंड रेस करें, नहीं तो सेशन का समय भी हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई यदि सेशन में है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। एक ही समाज, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।